साथियों आपके सामने है ये महिंद्रा 575 DI XV प्लस। साथियों आपके सामने है महिंद्रा 575 DI XV प्लस। आप देखोगे कि यहाँ पर आपको पूरी ये महिंद्रा DI XV प्लस की आपको ये ब्रांडिंग मिलती है और सिल्वर मेटल से ये ब्रांडिंग दी गई है और साथ में आगे रेड कलर दिया गया है जो एक देखने में लुक वाइज आप देखोगे बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और अगर इसकी हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट आप देखोगे कि अन्य जो रेगुलर इससे पहले मॉडल आ रहे थे उनमें जो फ्रंट जाली थी वो अलग तरीके से थी, इसमें ये स्ट्रेट डिज़ाइन में कट में ये फ्रंट जाली दी गई है और ऊपर ये महिंद्रा की जो ब्रांडिंग है जो लोगो है वो दिया गया है। इसके अलावा अगर हम इसके एक्सल की बात करें तो आपको ये इसका ये फ्रंट एक्सल बैंड एक्सल मिलता है और साथ ही साथ में आपको ये डबल एक्टिंग में पावर स्टीयरिंग में ये ट्रैक्टर मिल जाता है। आप देखोगे ये डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग में ये ट्रैक्टर है। आगे आपको एक्सल पर ये कंपनी फिटेड वेट मिल जाता है जो करीब 80 किलो का ये वेट रहता है। आप चाहो तो आसानी से यहाँ से ये आगे बम्पर वगैरह भी इसमें लगवा सकते हैं और इस वेट को उसके ऊपर डाल सकते हैं। और इसके अगर फ्रंट टायर की बात करें तो आपको इसमें जो फ्रंट टायर हैं वो आपको 750/16 के CX के ये फ्रंट टायर मिलते हैं। और अगर इसकी पंप की बात करें तो बॉस की इनलाइन आपको इसमें पंप मिल जाती है। 4 सिलेंडर में आपको ये इंजन मिलता है जो ये इंजन है 47 HP का ये हॉर्स पावर का इंजन आपको 2000 रेटेड RPM के साथ मिलता है और 178 का इसका टॉर्क है, 178 न्यूटन मीटर ये टॉर्क जनरेट करता है इंजन। 6 ईयर वारंटी के साथ में आप ट्रैक्टर मिलता है। जो भी इसकी कंडीशंस हैं आप साफ साफ नीचे लिखा हुआ है कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ये ट्रैक्टर आपको डुअल क्लच और सिंगल क्लच दोनों में मिल जाता है, आप जैसा चाहो वैसा ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। और इसका इसमें जो गियर रहते हैं कॉन्स्टमेंस का इसमें गियर बॉक्स है, 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के साथ में ये आपको गियर मिल जाता है। ये अलग से PTO के लिए जो इसकी सीट है वो भी आपको एडजस्टेबल सीट मिलेगी, आप अपने सुविधा के अनुसार इसको सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका जो ये डैशबोर्ड है आपको डिजिटल डैशबोर्ड मिल जाएगा। अगर पिछले टायरों की बात करें तो पिछले टायर आपको इसमें 14 और 28 के ये पिछले टायर मिलेंगे, पिछले टायर भी CX के ये पिछले टायर होंगे। और साथ ही साथ अगर लिफ्ट कैपेसिटी की इसकी बात करते हैं तो आपको इसमें 1500 kg की ये लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है। और अगर PTO पावर की बात करें तो आप देखेंगे मैक्सिमम PTO पावर आपको 42 HP का ये PTO पावर मिल जाता है। इसको जो इसके जो ब्रेक हैं वो आपको OIB ऑयल इमर्स इसमें ये ब्रेक मिल जाते हैं। और साथ ही साथ में ये साइड से ही ये बैटरी के लिए पूरा बॉक्स दिया गया है जिसमें कि आपकी बैटरी आसानी से लॉक हो जाती है जिससे कि बैटरी अलग रहती है। 2 पंप दी गई हैं दोनों ही, एक हाइड्रोलिक के लिए और एक पावर स्टीयरिंग के लिए दोनों पंप दी गई है।